माय चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन मेकअप लुक, और उस फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए मैंने सारे ही नए प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो अपने मैंने किसी प्रीवियस वीडियो में शेयर किए थे मेरे शॉपिंग हॉल में, कलेक्टिव शॉपिंग हॉल में। तो उसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। कुछ प्रोडक्ट्स उसके मैं पहले ही यूज़ कर चुकी थी तो वो भी मैंने इसी वीडियो में यूज़ किए हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स थे जैसे कि मैंने बेस मेकअप कुछ भी नहीं लिया था ना, मैंने उसमें प्राइमर लिया था, फाउंडेशन नहीं लिया था, कंसीलर नहीं लिया था, तो उसमें मैंने ऐसे ही प्रोडक्ट्स जोड़े हैं जो कि मेरे पास रखे हुए थे बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ या कभी मौका नहीं मिला। तो एक ये वाला प्रोडक्ट था पॉफिल का कंसीलर, ये वेड एंड वाइट का न्यू मुझे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था हाइलाइटर, एक एलिटीन कलर पॉप का ये एलिटीन का कॉम्पैक्ट है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने ऑर्डर किए थे, मुझे लेट रिसीव हुए हैं। पर्पल का ही मुझे रिसेंटली एक पार्सल भी रिसीव हुआ है, तो उसमें 4 to 5 ही प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए थे क्योंकि मुझे एक ही प्रोडक्ट मंगाना था, बट मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स ऐड कर लिया। अगर आप वो वाला हॉल देखना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनकी बाइंडिंग अगर ऑनलाइन मिल जाती है तो मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियोस से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। तो देख लेते हैं इस लुक को मैंने कैसे टर्न आउट किया है। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए बायोटिक का लिप बाम, और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ निव्या का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। प्राइमर के लिए मैंने लिया है मेबलिन फिट मी का ड्यूब वाला प्राइमर, सो ये थोड़ा सा वाटर बेस्ड है बट अप्लाई करने के बाद थिक फॉर्म में आ जाता है और थिक हो जाता है, सॉफ्टनिंग आ जाती है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का सीसी क्रीम, सो ये आपको एक फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। तो मेरे पास कोई भी ऐसा फाउंडेशन नहीं था जो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स मैंने जो पहले यूज़ कर चुकी हूँ वही वाले लिए हैं। इसे एक ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ और ये एक आपको अच्छा कवरेज प्रोवाइड कर देता है। तो इसी तरीके से मैं पूरे फेस पे इसे ब्लेंड कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे डार्कनेस है ज़्यादा। नेक्स्ट मैंने लिया है पॉपफिल का कंसीलर, और इसी से मैं अपनी अंडर आइज़ को, अपने डार्क सर्कल्स को और जहाँ मुझे स्पॉट्स है वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है गाइस, मस्त से। अगर ये किसी दूसरी वेबसाइट पे मिलता है, मैंने इसे अलीएक्सप्रेस से लिया है, अगर दूसरी वेबसाइट पे अवेलेबल है तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए बिकॉज की ये फुल कवरेज है, बहुत अच्छे से आई शेडोज उभर के दिखते हैं इससे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 70-80 रुपीज़ का है ये। नेक्स्ट मैंने कॉम्पैक्ट के लिए लिया है एलिटीन 18 का कॉम्पैक्ट, ये रिसेंटली मैंने लिया है। इसी से मैं अपना पूरा फेस सेट कर लूँगी और अपनी क्रीज़ को भी बहुत अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि मैं जो भी आई शेडो लगाऊँ वो अच्छे से अप्लाई हो। नेक्स्ट मैंने लिया है 4 का आईब्रो पोमेड और इससे अपने आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी मोटी आईब्रोज फिल इन करूँगी क्योंकि इससे मेकअप आपका ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैंने लिया है किस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, ये 9 कलर्स वाला पैलेट है, बहुत अच्छा पैलेट है, पिगमेंटेड शेड है और इससे डेली नेचुरल मेकअप आप बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो इसे ब्राउन कलर को पिक करके मैंने अपनी क्रीज में अप्लाई किया है और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने इसी में से ये डार्क ब्राउन शिमरी शेड पिक किया है, बट इतना ज़्यादा शिमर नहीं है इसमें, इसका शेड नंबर है पैलेट का 01। तो मैं अपना शेड ले रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, प्रोडक्ट लेती जाऊँगी, अप्लाई करती जाऊँगी और ब्लेंड करते हुए ही मैं इसे अप्लाई करूँगी ताकि जो है मुझे वापस ब्लेंड ना करना पड़े, क्योंकि दोबारा से जब आप ब्लेंड करते हो तो प्रोडक्ट्स का जो कलर होता है वो पिगमेंटेशन कम दिखती है, इस वजह से मैं इसे ब्लेंड करते हुए ही अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे जब तक एक डिज़ायर्ड कलर नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे ब्लेंड करती रहूँगी, अपनी क्रीज तक इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है अपना मैक का शेडो पैलेट और इससे लाइट ग्रीन, थोड़ा सा डार्क ग्रीन में ही जो लाइट थोड़ा सा था ये शिमर वाला, ज़्यादा शिमर है इसमें, तो इसे मैंने अपनी इनर वी पर अप्लाई किया है और इसी तरीके से मैं इसे अपनी क्रीज तक अप्लाई कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छा लुक दे रही थी और ये मेकअप बहुत अच्छे से टर्न आउट हुआ था। नेक्स्ट लाइनर के लिए मैंने लिया है स्यूज ब्यूटी का वाटरप्रूफ लाइनर और इससे मैं बहुत ही थिन लाइनर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मस्करे के लिए मैंने लिया है स्यूज ब्यूटी का वाटरप्रूफ मस्करा बिकॉज कि मैं स्यूज ब्यूटी का वन ब्रांड जल्दी ही करूँगी, तो ये बहुत अच्छा मस्करा है, लिटरली गाइज आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट मैंने लिया है लैक्मे का वाइट काजल और इसे मैं अपनी वाटरलाइन में अप्लाई कर रही हूँ। तो इस पर मैं रिव्यू बना चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन मैंने लिया है अपने मैक का शेडो पैलेट और यही ग्रीन कलर का शिमरी शेड पिक कर रही हूँ और इसे नीचे अपने स्मोक आउट कर रही हूँ। सो इसी तरीके से मैं स्मोक आउट कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है
मैक का ब्लश, और इससे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा ब्लश है, बहुत ही लाइट सा कवरेज आपको प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट मैंने वेड एंड वाइट का हाईलाइटर लिया और इससे अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। तो यूजली जहाँ भी मैं हाईलाइट करती हूँ अपने फेस को, वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, और फैन ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अप्लाई कर लिया। एक पॉइंटेड ब्रश लेकर के मैं अपनी इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी, देन मैं अपनी ब्रोबन को हाईलाइट कर लूँगी एक पॉइंटेड ब्रश से, जिससे मैंने आई शेडो अप्लाई किया था उसी से। ये दूसरा वाला ब्रश है। नेक्स्ट मैंने लिए है एंजल रोज़ की पिंक लिपस्टिक इन दी शेड 09। बहुत ही अच्छा ब्राइट पिंक शेड है। आई नो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा शेड है, बहुत ही लॉन्ग लिपस्टिक है। ये रिसेंटली मैंने बाय की है। नेक्स्ट मैंने अपने मेकअप को सेट करने के लिए लिया है किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। दिस इज़ माई फाइनल लुक, और ये कुछ इस तरीके से टर्न आउट हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियोस से आप नोटिफाइड हो पाएंगी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि प्रीवियस जो मैंने आपके संग एक शॉपिंग हॉल शेयर किया था उसमें वो नहीं है, बट वो मैंने रिसेंटली ही ऑर्डर किए थे, बट वो मुझे थोड़ा लेट रिसीव हुआ। सो फर्स्ट है ये वेड एंड वाइट का जो है हाईलाइटर है, ये है ब्लम ग्लो E319B। तो ये कुछ शेड है, ये वाला शेड मैंने अभी अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये अच्छा लगा मुझे बिकॉज़ कि ये नेचुरल लुक देता है और ये पिंक टिंटेड है। तो ये 350 रुपीज़ का मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और काफ़ी सारे फ़्लिपकार्ट पे जो है वेड एंड वाइट के प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छी प्राइजेस के मिल रहे हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये लिपस्टिक भी मैंने रिसेंटली ही बाय की थी, ये है एंजल रोज़ की लिपस्टिक। सो ये इस तरह की पैकेजिंग है, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। इसमें मेरा शेड है 09, अगर आपको इस तरह की मिलती है तो ये वाला शेड है इसका, तो मुझे ये शेड भी बहुत प्यारा लगा बिकॉज कि मैं इसी तरह के शेड्स लगाना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट मैंने एक लिया था एलेटीन का कॉम्पैक्ट, इसमें मेरा शेड है 01 पैरल, तो ये ही वाला शेड मैंने अप्लाई किया है और आई लव दिस। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो मेरे पास रखे हुए थे, मैंने यूज़ नहीं किए, यूज़ करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज दूसरे ऑप्शन मेरे पास ज़्यादा अच्छे थे। जैसे कि एक ये पफ फील का कंसीलर, ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाया था और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो ये एक फुल कवरेज कंसीलर है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा कंसीलर है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा लगाया, तो ये बहुत अच्छे से कवर कर देता है और ये बहुत ही अच्छी स्मूदनिंग प्रोवाइड करता है आपके मेकअप में। बहुत ही अच्छी स्मूदनिंग है इसमें, थोड़ा सा ये ऑयली है तो ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा रहेगा। मेरी ऑयली स्किन है, इस वजह से ये थोड़ा सा ऑयल कर रहा था, बट अगर आप इसे सेट करते हैं, मैंने इस एलेटीन के कॉम्पैक्ट से ही सेट किया, तो ये अच्छे से सेट हो गया और बहुत स्मूद है, बहुत ही स्मूद है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने बाय किए बट यूज़ नहीं किए, तो ये एक फ़र्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ मेकअप लुक था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, पास ही में बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कीजिएगा, तो सभी वीडियोस से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।